बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 10.1। जी, डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास पॉइंट पी है, इसके कंपोनेंट्स x1, y1 एंड q के कंपोनेंट x2, y2, तो P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, तो D बराबर होगा P से Q। भैया P के ऊपर मोड़ डालेंगे जी, और भाई फासला किस तरह होगा, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर ऊपर जैसा, या x1 - x2 का स्केयर प्लस y1 - y2 का जैसा ऊपर जैसा। भाई P से Q फासला निकालना हो तो पहली में से पहली निकाल के उसका स्केयर, जमा दूसरी में से दूसरी निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसा। भाई x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, या ऊपर जैसा x1 - x2 का स्केयर प्लस y1 - y2 का स्केयर ऊपर जैसा। भाई पी से क्यों डिस्टेंस निकालना हो तो x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर ऊपर जैसा, या x1 - x2 का स्केयर प्लस y1 - y2 का स्केयर ऊपर जैसा। भाई दोनों के x का डिफरेंस, एब्सिसास का यानी कि एब्सिसास का डिफरेंस उसका स्केयर प्लस ऑर्डिनेट्स का भैया डिफरेंस और उसका स्केयर ऊपर जैसे। भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल लो उसका स्केयर कर दो, सेकंड में सेकंड निकाल लो उसका स्केयर कर दो, और ऊपर भाई जन के डाल दो जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पी एंड क्यू। नाउ पी क्यू को भैया इस तरह निकाल लो या इस तरह निकाल लो, कोई इश्यू नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ए हमारे पास है 3, 8 और बी हमारे पास है 5, 6। जो भाई जन देखिएगा ए से बी फास्ट है, 5 - 3 का होल स्केयर, 6 - 8 का होल स्केयर। भाई पहली में से पहले निकाल लो 5 - 3 का स्केयर और 6 - 8 का स्केयर ऊपर जजर। भाई ये 2 आएगा, ये -2 आएगा, जब स्केयर करोगे तो 4 जमा 4 = 8 आएगा, 8 को 2√2 कर सकते हो। भाई जनता देखें, पी हमारे पास है कॉज अल्फा कॉज वाई कॉज एक्स कॉज वाई, और भैया क्यू हमारे पास है साइन एक्स साइन वाई। तो भाई पी क्यू फास्ट होगा साइन एक्स माइनस कोज एक्स का होल स्केयर, फिर क्या होगा साइन वाई माइनस कोज वाई का होल स्केयर ऊपर जैसे। वी हैव साइन स्केयर एक्स जमा कोज स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोज एक्स, या होगा साइन स्केयर वाई जमा कोज स्केयर वाई, और भाई जन माइनस 2 साइन वाई कोज वाई। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाई जन अगर 2 - 2 sin x कोज एक्स -2 sin y cos y, तो भाई 2 - 2 कॉमन निकाल लिया, साइन एक्स कॉज एक्स प्लस साइन वाई कॉज वाई ऊपर जैसे। तो भाई जन देखें, पी से क्यू फास्टर निकालना हो, तो x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर ऊपर जैसे। भाई x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर ऊपर जैसे, या x1 - x2 का होल स्केयर y1 - y2 का होल स्केयर ऊपर जैसा। भाई x1 - x2 का होल स्केयर प्लस y1 - y2 का होल स्केयर ऊपर जैसे। भाई पी से क्यू फास्टा के अकॉर्डिंग x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर ऊपर जैसा, या x1 - x2 का होल स्केयर प्लस y1 - y2 का होल स्केयर ऊपर जैसा। तो भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फास्टा निकालने का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर ऊपर जैसा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इफ अल्फा बीटा एनी टू एंगल्स, देन आपने साबित करना कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई आपने साबित करना कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई जन कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई जनता देखिएगा, हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है। भैया यूनिट सर्कल होता है इसका सेंटर क्या हो जी, जिसका रेडियस 1 हो। भैया जिसका रेडियस क्या हो 1, तो वी हैव 0, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। भाई दाएं तरफ एक्स एक्सिस, बाएं तरफ एक्स डैश, ऊपर वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस। और ए के कंपोनेंट्स होंगे 1, 0। भैया ए के कंपोनेंट्स होंगे 1, 0 जी। भैया ए के कंपोनेंट्स होंगे 1, 0। अब भाई जनता देखें, डी ये जो डी लाइन है ना, इसका एंगल अल्फा है,
भाई इसका एंगल क्या अल्फा, तो डी के कंपोनेंट्स बनेंगे कॉज अल्फा एंड साइन अल्फा जी। लेजन इसका एंगल अल्फा है भैया, डी का एंगल अल्फा है, ये जो ओडी नाइन एंगल अल्फा है, तो एलिमेंट्स बनेंगे कॉज अल्फा साइन अल्फा जी। भाई ओ सी का लाइन एंगल बीटा है, तो भाई ये बनेगा कॉज ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा जी। भाई कॉज ऑफ बीटा एंड साइन ऑफ बीटा, पहला कंपोनेंट कॉज अल्फा, दूसरा कंपोनेंट साइन अल्फा, पहला कंपोनेंट कॉज बीटा, दूसरा। अब भाई जनता देखिएगा इनके दरमियान जो एंगल अल्फा मनफी बीटा, तो इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा अल्फा मनफी बीटा होगा, तो भाई क्योंकि इक्वल है ना, तो भाई ये होगा कॉज अल्फा मनफी बीटा एंड साइन अल्फा मनफी बीटा। भैया पहला कंपोनेंट किस तरह निकलेगा, उस एंगल के साथ कॉज अटैच कर दो, दूसरा भैया किस तरह उसके एंगल साइन, कहते ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पर पेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उस फलसे से निकला हुआ है। बरहाल डी का एंगल ओडी का एंगल अल्फा, तो कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। भाई जन सी का एंगल कोसी का एंगल क्या जी बीटा, तो कॉज ऑफ बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा। तो भाई जन बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कॉज अल्फा मनफी बीटा और साइन अल्फा मनफी बीटा, और भाई जन ए के कंपोनेंट 1 0 है। कंसिडर ए यूनिट सर्कल, भाई कंसिडर हैविंग 0 एज सेंटर, टेकिंग पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑन द सर्कल सच दैट, भाई लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर होगी लेंथ ऑफ आर्क सी डी। भैया ए बी की लंबाई और भैया सी डी की लंबाई क्या जी बराबर है, भैया आपने इस तरह रखना है ए बी सी डी के ए बी की गोलाई जो है ना लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगी लेंथ ऑफ आर्क सी डी। भाई लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क सी डी, भाई जन ए बी की लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगा सी डी की लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर होगा लेंथ ऑफ आर्क सी डी। वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री, वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री दैट इफ टू आर्क्स इन ए सर्कल आर कंग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर ऑल्सो कंग्रुएंट। वही कहता है इन एनी वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स की इफ टू आर्क्स इन ए सर्कल, अगर एक सर्कल में दो आर्क्स बराबर हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। भाई उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगी, देखो ना भाई अगर ये वाली गुलाई और ये वाली गुलाई आपस में बराबर, तो इनके दरमियान जो डायरेक्ट डिस्टेंस है जिसको आर्क कार्ड बोलेंगे भैया, वो भी क्या होगा जी इक्वल होगा जी। भाई जन वो भी क्या होगा इक्वल होगा, इफ टू आर्क्स इन ए सर्कल आर कंग्रुएंट या इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल या कंग्रुएंट। भाई कॉरस्पॉन्डिंग से अगर आप ए बी को डिस्कस कर रहे हैं और सी डी को डिस्कस कर रहे हैं, इनकी आर्क लेनी है इसकी आर्क लेनी है, अगर इसकी कार्ड लोगे तो इसकी कार्ड लोगे। तो भाई इधर देखें ए के कंपोनेंट 1 0, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पर वाई कंपोनेंट 0 और यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 है। अब भाई जन इसका बी का एंगल बन रहा है अल्फा मनफी बीटा, तो कंपोनेंट्स बनेंगे कॉज अल्फा मनफी बीटा एंड साइन अल्फा मनफी बीटा। भैया पहले के साथ कॉज अटैच कर दो, एंगल के साथ कॉज अटैच करोगे तो पहला कंपोनेंट बन जाएगा, एंगल के साथ साइन अटैच करोगे दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। अब भाई जन ओ सी का एंगल बीटा है, तो क्या बनेगा कॉज ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा, और भैया ओ डी का एंगल अल्फा, तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा। तो भाई हेयर ए बी फासला बराबर होगा सी डी फासला, इसको 1 कह देंगे। अब भाई एंगल ए ओ डी, ए ओ डी का एंगल अल्फा, एंगल ए ओ सी का भैया क्या है जी बीटा, एंगल सी ओ डी का क्या होगा जी अल्फा मनफी बीटा। आपको पता है सिंस आर्क ए बी बराबर है आर्क सी डी, सो एंगल सी ओ डी या एंगल ए ओ बी बराबर होगा अल्फा मनफी बीटा। देयर फोर ए के क्वाड्रेंट्स होंगे 1 0, बी के क्वाड्रेंट्स होंगे कॉस अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा मनफी बीटा, भाई सी के होंगे कॉज ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा, और डी के कंपोनेंट्स होंगे कॉज अल्फा और साइन ऑफ अल्फा। नो फ्रॉम 1 ए बी का स्केयर बराबर है सी डी का स्केयर, भाई दोनों का स्केयर लेने से फायदा ही होगा कि आपका वो जो जजर आता है उससे जान छूट जाएगी। अब भाई जन वी हैव ए बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो भाई क्या होगा 1 मनफी कॉज अल्फा मनफी बीटे का होल स्केयर प्लस 0 मनफी साइन अल्फा मनफी बीटे का होल स्केयर, और भाई ऊपर जजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्केयर है, वी हैव कॉज अल्फा मनफी कॉज बीटे का होल स्केयर, और भैया प्लस होगा साइन अल्फा मनफी साइन बीटे का होल स्केयर। भाई पहली में से पहली निकालो उसका स्केयर, जमा दूसरी में से दूसरी निकालो उसका स्केयर, ऊपर जजर जजर इसलिए डालेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्केयर है। नाउ आएगा भाईजन 1 प्लस कॉज स्केयर अल्फा मनफी बीटा प्लस सॉरी माइनस 2 कॉज अल्फा मनफी बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फा मनफी बीटा। नो वी हैव कॉज स्केयर अल्फा जमा कॉज स्केयर बीटा माइनस 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। भजन दादा देखिएगा बिल्कुल इजी, नाउ कॉस के जमा साइंस के कहते वन, भजन कॉस के जमा साइंस के 1 और कॉस के अल्फा जमा साइंस के 1 कॉस के बीटा जमा साइंस के बीटा 1
और भाई जन आप जरा देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। भाई जन वी हैव टू मनफी टू कॉज अल्फा मनफी बराबर टू मनफी टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई इस पहले टू टू को उड़ा दो, माइनस टू कॉज अल्फा मनफी टर्म माइनस टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई माइनस टू को उड़ा दो, कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर होगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉज अल्फा मनफी बीटा होगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो भैया एक रूल बन गया, कॉज अल्फा जमा बीटा होगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ वी हैव थ्योरम कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। भाई आपने रिप्लेस बीटा, इसको अल्फा कहा हुआ है ना, इसको अल्फा कहा हुआ है भैया, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन अल्फा। भाई जहां जहां बीटा वहां वहां क्या पुट कर दो, माइनस बीटा जी। और भैया ये गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल का मतलब जो अमल आप लेफ्ट पे करने वही अमल आप राइट पे करो तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन अल्फा, तो वो था हमारे पास कॉज अल्फा मनफी बीटा बराबर कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। वी हैव कॉज अल्फा मनफी मनफी बीटा कॉज अल्फा कॉज मनफी बीटा प्लस साइन अल्फा साइन मनफी बीटा जी। भाई कॉज का क्या नेगेटिव पढ़ा तो गायब हो रहे थे, साइन का क्या नेगेटिव बाहर आ रहे थे। भाई कॉज का क्या नेगेटिव पढ़ा हो बाहर आ रहे थे, भाई कॉज का क्या नेगेटिव पढ़ा हो तो गायब हो रहे थे और साइन का क्या बाहर आ रहे थे। सो वी हैव कॉज अल्फा जमा बीटा बराबर कॉज अल्फा कॉज बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। सो वी हैव कॉज अल्फा जमा बीटा बराबर कॉज अल्फा कॉज बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा जी। नो भैया प्रूफ करना है साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कॉज बीटा मनफी कॉज अल्फा साइन बीटा। भाई साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर है, आपने साबित करना था साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। तो भाई रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय टू प्लस अल्फा। भाई जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या पुट कर दो, पाई बाय टू प्लस अल्फा इन अल्फा जी। अल्फा जो मसावात पर अपने रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय टू प्लस अल्फा। भाई ये गोल्डन रूल है, जो अमल आप लेफ्ट पे करो वही अमल राइट पे करो तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो वी हैव कॉस अल्फा मनफी बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई कॉज अल्फा मनफी बीटा वी नो कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा फंडामेंटल फार्मूला। नाउ आप अल्फा की जगह पे भैया क्या पुट करना है, पाई बाय टू प्लस अल्फा। भाई जहां जहां अल्फा वहां वहां पाई बाय टू प्लस अल्फा पुट करो। जो वी हैव कॉज पाई बाय टू प्लस अल्फा माइनस बीटा और भैया कॉज पाई बाय टू प्लस अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा जी। भाई जन वी राइट कॉज पाई बाय टू प्लस अल्फा मनफी बीटा, ये भाई जन कॉस पाई बाय टू प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा इंटू कॉज ऑफ बीटा जी, और साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा भैया साइन ऑफ कॉज ऑफ अल्फा होगा एंड साइन ऑफ बीटा जी। नाउ आप भाई जन देखो यहां से माइनस बाहर निकाल लो तो वी विल सी माइनस बाहर साइन अल्फा कॉज बीटा मनफी कॉज अल्फा साइन बीटा। और भैया कॉस पाई बाय टू प्लस अल्फा मनफी बीटा, भाई पाई बाय टू पे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा जी, और चूंकि सेकेंड में जरा सेकेंड में कॉस का नेगेटिव तो भाई नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। भाई साइन अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब भैया ये हमें दो रिजल्ट याद रखने हैं, अभी प्रूफ भी इसका है। भाई कॉस पाई बाय टू प्लस सीटा कहता है माइनस साइन ऑफ सीटा, भाई कॉस पाई बाय टू प्लस सीटा कहता है माइनस साइन सीटा, और साइन पाई बाय टू प्लस सीटा कहता है कॉस ऑफ सीटा। भाई 90 अवेलेबल होता है कॉस साइन में और साइन कॉस में, और भैया फिर क्वाड्रेंट दिखना पड़ेगा पाई बाय टू प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट दूसरे में कॉस का था नेगेटिव, और भैया साइन पाई बाय टू प्लस थीटा भैया दूसरे क्वाड्रेंट दूसरे में साइन का था पॉजिटिव। भैया अलामत आपने लेफ्ट वाले की देखनी है और राइट वाले के साथ लगानी है। नाउ वी वांट प्रूफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप भाई अभी आपने रिजल्ट ड्राइव किया साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा, तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन इसमें पुट कर दें साइन अल्फा मनफी बीटा बाय साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई जहां जहां बीटा यू पुट माइनस बीटा गोल्डन रूल नो इफेक्ट, वी गेट साइन अल्फा माइनस माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा मनफी कॉस अल्फा और साइन ऑफ माइनस बीटा। भाई ये माइनस में प्लस हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस का नेगेटिव बड़ा गायब होता है साइन का नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई थ्योरम है टेन अल्फा मनफी बीटा बराबर टेन अल्फा मनफी टेन बीटा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। भाई टेन अल्फा मनफी बीटा बराबर है टेन अल्फा मनफी टेन बीटा वन प्लस ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा आपने साबित करना है। भाई जन टेन अल्फा मनफी बीटा बराबर होगा टेन अल्फा मनफी टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये आपने साबित करना है। नो भैया लेफ्ट हैंड साइड टेन अल्फा मनफी बीटा, वी राइट साइन अल्फा मनफी बीटा ओवर कॉस अल्फा मनफी बीटा। भाई टेन होता साइन ऑफ कॉस, ऊपर वाला भी आपने प्रूफ किया नीचे वाला प्रूफ किया, वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा।
या कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमें जो प्रूफ है ना भाईजान, उसमें यहाँ पे वन चाहिए भाई, यहाँ पे क्या चाहिए, वन चाहिए। तो आप इस भैया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा भाई, इससे कम से इसको 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 डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। वी आफ्टर कैलकुलेशन वी राइट भाई जान टेन अल्फा मनफी टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। नाउ वी हैव टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन मनफी टेन अल्फा टेन बीटा। बिल्कुल भाई लेफ्ट हैंड साइड टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा जमा बीटा। तो भाई वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा जमा बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। अब भाई हमें यहाँ पे वन चाहिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा से क्या करो जी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा से भैया डिवाइड कर दो। वी हैव साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा, भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। भाई आफ्टर कटिंग we have 10 alpha plus 10 beta over 1 minus 10 alpha 10 beta which is your right hand side। now kuch note hai bhaiya, ye jo humne derive kiye hain ye result aapko sapani yaad hone chahiye। pehla note hai sin alpha jama beta, ya pehla formula aapne yaad rakhna sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। bhai sin alpha jama beta barabar sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, sin alpha minus beta ka sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta। भाई इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा साइन के केस में। साइन अल्फा मन बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा मन फी कॉस अल्फा साइन बीटा। वी हैव कॉस अल्फा प्लस बीटा, भैया ये जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा, कॉस अल्फा जमा बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा मन फी साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉस के केस में अगर प्लस है तो भाई इधर नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव है तो भाई क्या आएगा, प्लस आएगा। एंड कॉस अल्फा जमा बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा मन फी साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा मन फी बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। Now we have 10 alpha jama beta. By 10 alpha jama beta ka formula 10 alpha plus 10 beta 1 minus 10 alpha 10 beta. By 10 alpha jama beta kya hoga, 10 alpha plus 10 beta 1 minus 10 alpha 10 beta. This is the 10 alpha minus beta ka 10 alpha minus 10 beta 1 plus 10 alpha 10 beta. By jan kuch result hai pehla no sin ka negative plus negative bahar hai, by sin ka sin minus theta is equal to minus sin theta. By inke proof bhi hai fil waqt aapne bhaiya ye चीज राजन में रखें, साइन माइनस सीटा बराबर था माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस सीटा बराबर होगा कॉस ऑफ थीटा, एंड टेन माइनस सीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। भाई साइन का क्या नेगेटिव पड़ा हो, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या नेगेटिव पड़ा होगा वो जाएगा, और टेन का क्या नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाएगा। साइन माइनस सीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस सीटा बराबर होगा कॉस सीटा, और टेन माइनस सीटा भैया किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा। भाई सिर्फ कॉस के केस में नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, साइन और कॉस में बाहर आ जाएगा। भाई साइन माइनस सीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस सीटा बराबर कॉस सीटा, और टेन माइनस सीटा बराबर माइनस टेन थीटा। अब भाई जन साइन नाइनटी माइनस सीटा कॉस सीटा, कॉस नाइनटी माइनस सीटा साइन थीटा, और टेन नाइनटी माइनस सीटा कॉस कॉट सीटा। भाई नाइनटी के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में। भाई नाइनटी जब अवेलेबल हो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में साइन में, और टेन किस में कॉट में। भाई जन साइन जब नाइनटी अवेलेबल होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। अब 90 माइनस समथिंग कौन था क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में साइन का था पॉजिटिव, कॉस का था पॉजिटिव, एंड टेन का था पॉजिटिव। भाई अलामत आपने लेफ्ट वाले की देखनी है और लगाई किसके साथ, राइट के साथ। भाई 90 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और भैया 90 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन का था पॉजिटिव, कॉस का था पॉजिटिव, और टेन का था पॉजिटिव। नाउ वी हैव 90 प्लस थीटा, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा, cos 90 प्लस सीटा माइनस साइन सीटा, और टेन 90 प्लस सीटा माइनस कॉट थीटा। भाई 90 में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। अब 90 प्लस समथिंग दूसरा क्वार, दूसरे में साइन का था पॉजिटिव, कॉस का था नेगेटिव, और टेन का था नेगेटिव। भाई अलामत आपने इनकी देखनी है लेफ्ट, और लगाने किसके साथ है, राइट हैंड के साथ। भाई इनको इनका प्रूफ भी है इंशाल्लाह आएगा जी। अभी फिलहाल आपने ये रिजल्ट याद रखना है, 90 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में। 90 प्लस समथिंग दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन का था पॉजिटिव, कॉस का था नेगेटिव, और टेन का था नेगेटिव। भाई अलामत आप इनकी देखोगे और लगाओगे इसकी, यानी कि इनका साइन देखोगे, इनका वो सिग्नल देखोगे, साइन देखोगे,
और भैया लगाओगे किसके साथ ही राइट हैंड साइड। अब 180 के ऊपर साइन 180 माइनस सीटा कॉस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस सीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस सीटा माइनस टेन थीटा। भाई 180 के ऊपर साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन टेन देगा। भाई 180 के ऊपर साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन टेन देगा। भाई 180 के ऊपर साइन साइन, कॉस कॉस और टेन टेन जी। भाई चेंज नहीं होता, 90 के ऊपर चेंज होगा भैया, ये 180 के ऊपर चेंज नहीं होगा। आप जरा गौर से देखिएगा, 180 माइनस समथिंग सेकंड पार्ट में, सेकंड में साइन का था पॉजिटिव, कॉस का था नेगेटिव और टेन का था नेगेटिव। भाई अलामत आपने लेफ्ट की देखनी, लगानी किसके साथ था, राइट हैंड के साथ। इसी तरह 180 प्लस सीटा, थर्ड क्वार्टर, थर्ड में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था नेगेटिव और टेन का था पॉजिटिव। भाई 180 के ऊपर साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन देने का। अब 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वार्टर, थर्ड में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था नेगेटिव और टेन का था पॉजिटिव। भाई थर्ड में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था नेगेटिव और टेन का था पॉजिटिव। वी हैव 270, 270 के ऊपर भैया साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉस में। भाई 270 जब अवेलेबल 90 या 270 वर्टिकल लाइन होती है, 90 और 270 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। भाई साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉट में। अब भैया 270 माइनस समथिंग थर्ड क्वार्टर, थर्ड में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था नेगेटिव, टेन का था पॉजिटिव। भाई अलामतें आपने इनकी लेफ्ट वाले की देखनी, लगाने इनके साथ है, राइट के साथ। अब भैया 270 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉट में। भाई 270 प्लस सीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, फोर्थ में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था पॉजिटिव, टेन का था नेगेटिव। भाई जान 270 के ऊपर साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और 270 प्लस समथिंग। भैया कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, 270 प्लस समथिंग भैया कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था नेगेटिव पॉजिटिव और टेन का था नेगेटिव। और भैया साइन 360 माइनस सीटा, 360 ऊपर साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन टेन देगा। अब भैया 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ में साइन का था नेगेटिव, कॉस का था पॉजिटिव, टेन का था नेगेटिव। भाई अलामतें आपने इनकी देखी, लेफ्ट पर लिखी और लगानी किसके साथ है। और भैया देखो वर्टिकल लाइन होती है 90, वहाँ पे 90 और 270 होते हैं, वहाँ पे साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉस में। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन 0, 180 या 360, साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन टेन देगा। और फिर साइन आपने लेफ्ट वाले की देखनी, लगानी किसके साथ, राइट हैंड साइड। भैया दो रूल्स हैं, कहता है ड्रॉप पाई बाय टू एंड चेंज साइन टू कोसाइन एंड वाइस वर्सा, पुट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंटल एंगल्स। भैया आपने जब पाई बाय टू होगा ना, ड्रॉप पाई बाय टू को ड्रॉप कर दें और भैया साइन को किसमें कन्वर्ट कर दें, कॉस में, कॉस को साइन में और टेन को कॉट में, एंड पुट द साइन अकॉर्डिंग टू। और भैया लेफ्ट वाले के हिसाब से आप जो है ना वो क्वाड्रेंट जो है ना वो साइन पुट कर देंगे, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ड्रॉप पाई एंड मेक नो चेंज, जब पाई होगा तो साइन साइन देगा, कॉस कॉस देगा, टेन टेन देगा, एंड पुट साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंगल। भैया आपने लेफ्ट हैंड का जो है ना वो एंगल देखें और उसके हिसाब से साइन पुट कर दीजिए। भाई आपने शो करना है कॉस 270 माइनस सीटा बराबर है माइनस साइन थीटा। भैया आपने प्रूफ करना है कॉस 270 माइनस सीटा बराबर है माइनस साइन थीटा। वैसे भी 270 पे कॉस का था साइन और 270 माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस का था नेगेटिव। अलामत आपने लेफ्ट वाले की देख ली है, लगाई हमें राइट हैंड के साथ। वी हैव कॉस अल्फा मंथी बीटा फार्मूला, कॉस ऑफ 270 माइनस सीटा बराबर होगा कॉस 270 कॉस सीटा प्लस साइन 270 एंड साइन थीटा। भाई कॉस 270 माइनस कॉस सीटा ओवर 1 प्लस ओवर 1 ओवर प्लस साइन 270 साइन थीटा, कॉस 270 का था 0 और साइन 270 माइनस 1। तो वी हैव नाउ पुट 0 इनटू कॉस ऑफ सीटा प्लस होगा माइनस 1 इनटू साइन ऑफ सीटा, वी गेट माइनस साइन थीटा व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। अब भैया आपने एग्जांपल है साइन 180 प्लस सीटा का माइनस साइन थीटा, वैसे भी 180 के ऊपर साइन साइन देगा और थर्ड में साइन का था नेगेटिव, इधर लगा देंगे। अब भाई साइन 180 प्लस सीटा आएगा, साइन 180 कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 180 साइन ऑफ थीटा। भाई साइन अल्फा का मैं बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, तो साइन 180 जीरो और कॉस 180 माइनस 1, वी हैव माइनस साइन थीटा व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। अब भाई जल्दी देखें कॉस 90 प्लस सीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। भैया 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में भैया कॉस का होगा नेगेटिव, तो कॉस भैया 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 कॉस थीटा मल्टी साइन 90 साइन थीटा भाई कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 कॉस थीटा मल्टी साइन 90 साइन थीटा तो कॉस 90 वी हैव 0 साइन 90 वी हैव 1 तो वी हैव माइनस साइन थीटा नो भाई एग्जांपल 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस पाई बाय 12 भाई कॉस पाई बाय 12 होता है 15 डिग्री अब भैया 15 की वैल्यू हम 45 मल्टी 30 कर देते भैया 45 मल्टी 30 कर देते या इसको पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 कर देते हैं भाई 45 मनफी 30 कर लो या पाई बाय 4 मनफी रेडियन में आप लोग कर लो वी हैव कॉस पाई बाय 12 वी राइट कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 भाई कॉस अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस पाई बाय 2 पाई बाय 4 1 बाय 2 कॉस 30 का होता है अंडर रूट 3 बाय 2 साइन 45 का होता है 1 बाय अंडर रूट 2 और साइन 30 का होता है 1 बाय 2 No, please take LCM and simplify. We get root 3 plus 1 over 2 root 2. Without using the table, write down the values of. आपने without using the table, यानी कि आपने calculator इस्तेमाल नहीं करना, write down the values of. भी आपने इनकी values find करनी.